आइए आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बाय ऑफ या एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का सर्किट है, तो इसका आउटपुट एक्स क्या होगा उसको फाइंड आउट करना है। और इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। तो ये हम लोग का जोर गेट है सारा। तो यहाँ पे टू इनपुट जोर गेट है, तो इस जोर गेट का आउटपुट जो होगा ए जोर बी कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर यहाँ पे ए जोर बी होगा और इस जोर गेट का सी कॉम्प्लीमेंट जोर डी कॉम्प्लीमेंट होगा और यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट जोर डी होगा। तो यहाँ पे एक्स हम लोग का होगा, इन सारे आउटपुट को हम लोग इसमें जोर कर देंगे तो एक्स आउटपुट होगा। तो यहाँ पे होगा ए जोर बी कॉम्प्लीमेंट जोर ए जोर बी होगा, फिर जोर सी कॉम्प्लीमेंट जोर डी कॉम्प्लीमेंट जोर सी कॉम्प्लीमेंट जोर डी। तो ये एक्स का आउटपुट होगा। तब यहाँ पे हम लोग फिर रीअरेंज करेंगे, तो ए और ए को हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे ए जोर ए और बी कॉम्प्लीमेंट और बी को एक साथ लिखेंगे, फिर जोर बी कॉम्प्लीमेंट जोर बी लिखेंगे, फिर जोर सी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे भी सी कॉम्प्लीमेंट जोर सी कॉम्प्लीमेंट इसको हम लोग लिखेंगे, फिर डी कॉम्प्लीमेंट जोर डी लिखेंगे डी कॉम्प्लीमेंट जोर डी। तो यहाँ पे हम लोग का जोर गेट का जो टेबल होता है जीरो जीरो पे हम लोग का जीरो, यानी जब दोनों इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट जीरो और डिफरेंट रहेगा तो आउटपुट वन होता है। तो यहाँ पे देखिए ए और ए दोनों इनपुट सेम है, तो सेम है तो आउटपुट इसका क्या होगा जीरो होगा। फिर यहाँ पे हम लोग का इनपुट डिफरेंट है तो यहाँ पे इसका वैल्यू वन होगा। फिर यहाँ पे हम लोग का दोनों इनपुट सेम है तो इसका वैल्यू जीरो होगा। फिर यहाँ पे इनपुट जो है हम लोग का डिफरेंट है तो यहाँ पे आउटपुट वन होगा। फिर हम लोग इन दोनों को जोर करेंगे तो यहाँ पे वन आएगा, फिर जोर, फिर इन दोनों को जोर करेंगे तो यहाँ पे वन आएगा, फिर इन दोनों को जोर करेंगे तो यहाँ पे जीरो होगा, यानी इस सर्किट का आउटपुट जो होगा वो जीरो होगा। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।